सरिया ताने बाने के साथ सुसज्जित है ये प्रथम टोली, टोली कमांडर मोनू भारद्वाज के नेतृत्व में। इस पूरी परेड का नेतृत्व कर रहे हैं परेड के प्रथम भारतीय कमांडर पुष्पेंद्र सिंह रामेश कुमार जी। दूसरी टोली है मोहरी परिवार के नेतृत्व में। परेड की यह तृतीय टोली टोली कमांडर आकाश कुमार जी के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजर रही है। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करते हुए चौथी टोली के कमांडर अपनी टोली के साथ सोनू कुमार। बेहद रोमांचक पल, एक भव्य आकर्षक और अविस्मरणीय परेड। बहुत बढ़िया, बेहद शानदार प्रदर्शन इन नौजवानों का। हौसले से भरपूर पांचवी टोली अपने टोली कमांडर विकास यादव के साथ मंच के सामने से गुजरती हुई। दर्शक भीड़ की तालियां कम कर नजर आ रही है, कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साह बढ़ाएं। छठी टोली टोली कमांडर कुलदीप यादव के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरती हुई। दर्शकों की तालियां इनकी बूटों से ऊंचे ही होनी चाहिए। बेहद खूबसूरत सातवीं टोली है टोली कमांडर सतीश यादव के नेतृत्व में। मंच के ठीक सामने से गुजर रही है आठवीं टोली रोहित कुमार जी के नेतृत्व में। और नवी टोली है टोली कमांडर अरुण कुमार के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरती हुई। कदम से कदम जोड़ से जोड़ मिलाते हुए ये नए रंगदूत। एक भव्य प्रदर्शन का एक शानदार नमूना आपने देखा। दर्शक दीर्घा से मेरा निवेदन है कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साह बढ़ाते रहे। हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है और जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। ये वो नौजवान है जिन्होंने देश सेवा के लिए संकल्प लिया है और आज के इस रैतिक परेड की भव्य और अविस्मरणीय हिस्से। ये रिक्रूट 204 रिक्रूट कांस्टेबल्स जो कि पीएससी के हैं उनको हमारे जनपद में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया और परेड की परीक्षा दी गई। इसमें इनके तमाम विषयों को सिखाया गया। इसके साथ ही साथ जो इस अवधि में जनपद में तमाम कानून व्यवस्था संबंधी कार्यक्रम हुए उनमें भी इनका योगदान दिया गया और आज 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद ये सभी उत्तीर्ण होकर यहाँ जनपद से पास आउट हो रहे हैं।